जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबॉर्डिनेट कोड्स का नेक्स्ट पार्ट मतलब नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये देखने वाले हैं। हमने सबॉर्डिनेट कोड्स के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ पिछले वीडियो में जान ली है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस कौन होते हैं, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, इसमें हम नालसा कवर करने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि नालसा का बेसिक मोटिव क्या है। उससे पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान में अगर लड़ाई हो जाती है तो ये दोनों इतने कैपेबल है कि वो जो बड़े कोर्ट्स हैं जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट, वहाँ पर जाकर जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण ले सकते हैं, या फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कैपेबल हैं, इनके पास इतना पैसा है कि अच्छे लॉयर्स ये सब पर खर्च कर सके। लेकिन वही अगर सलमान खान और किसी फार्मर में यहाँ पर झगड़ा होता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो जो फार्मर रहेगा वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो बियर कर सके जो भी पैसे लगते हैं हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो बियर नहीं कर सकता है, इसलिए वो हार मान लेता है। और यहाँ पर जो कैपेबल इंसान होते हैं, कैपेबल लोग होते हैं, वो यहाँ पर जीत जाते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर रखी है वो यहाँ पर वॉयलेट होती है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जब हमने चैप्टर लिया था, आप यहाँ पर भी उसकी जो लिंक है वो देख सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है उसमें आर्टिकल 39A, अब हमने वो ट्रिक के थ्रू याद रखा था, जैसे कि 9 के लिए हमने क्या रखा था, तो माइन का राइन रखा था हमने, माइन, तो माइन जो है मतलब मेरा, मुझे यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए। इस तरीके से हमने आर्टिकल 39A याद रखा था कि वहाँ पर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। तो इस तरीके से हमने 39A देखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब यहाँ पर जब फ्री लीगल एड पुअर के लिए मिलना चाहिए, वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, और जस्टिस जो है वो सभी को मिलना चाहिए। अब जो हमने एग्जांपल देखा था सलमान खान और फार्मर का, उसमें जो सलमान खान है और जो फार्मर है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फार्मर को यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो फ्री लीगल एड मिलना चाहिए पुअर को, वो मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। उसी के साथ जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 14, और फंडामेंटल राइट जो है वो भी ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर कवर किया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर, और लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आर्टिकल 14 और 22(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जो लॉ है उसके सामने सब इक्वल रहने चाहिए, सब इक्वल मतलब जो फार्मर है वो भी इक्वल रहना चाहिए, जो सलमान खान है वो भी इक्वल रहना चाहिए, जो शाहरुख खान है वो भी इक्वल रहना चाहिए, मैं भी इक्वल रहना चाहिए, आप भी इक्वल रहना चाहिए, हर इंसान वहाँ पर इक्वल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पैसों की वजह से या फिर जो पहुँच है वो ना रहने की वजह से यहाँ पर इनजस्टिस प्रोवाइड हो जाता है। अब लीगल सिस्टम विच प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अब यहाँ पर हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उसे इस तरीके से जो कोर्ट है उस पर अपील कर सके कि उसे जस्टिस मिल सके। तो ये जो है हमारे DPSP में भी दिया हुआ है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है। और फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे फंडामेंटल्स हैं। अब ये जब वॉयलेट होते हैं, इसलिए इन द ईयर 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट यहाँ पर लाया गया बाय द पार्लियामेंट विच केम इनटू फोर्स ऑन 9th नवंबर 1995। अब 9th नवंबर 1995 को नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ये लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसमें टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे हमने सलमान खान और जो फार्मर है उसका एग्जांपल देखा था, तो सलमान खान को जितनी यहाँ पर सहूलत मिल रही है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वो सब यहाँ पर जो फार्मर है उसे भी सब कुछ मिलना चाहिए, बराबर है। अब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो सबसे पहला आता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके अंडर में आते हैं ये, मतलब हेड होते हैं। फिर आता है स्टेट में, एक जो स्टेट होता है उसमें स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो यहाँ पर हेड होते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आते हैं, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो यहाँ पर हेड होते हैं। तो इस तरीके से 3 लीगल सर्विस अथॉरिटी हमने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लेज डाउन पॉलिसीज प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस एंड फ्रेम्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक
schemes for the state legal service authority to implement the legal service programs throughout the country. अब यहाँ पर national legal service authority जो है ये policies, principles, programs जो कुछ भी है एक framework यहाँ पर देता है ताकि जो state legal service authority है उसे to implement the legal service programs throughout the country. सारे programs सारी country में जो programs है वो अच्छे से चल सके और यहाँ पर सबको यहाँ पर legal service जो है वो provide की जा सके. अब यहाँ पर फंक्शंस क्या है, तो पहला फंक्शन आता है जो हमने फार्मा के लिए देखा है, तो जो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेंस में लिखने के लिए आपको जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर देखने चाहिए. तो याद किस तरीके से रखना है, तो जो कुछ भी आपको लगता है कि वो जो फार्मर है सलमान खान और फार्मर का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो फार्मर है उसे मिलना चाहिए वो सब आपने यहाँ पर इंक्लूड कर देना है. सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू एलिजिबल पर्सन. अब यहाँ पर उसे फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, नहीं तो सलमान खान जो है उनके जैसे जो लोग हैं वही यहाँ पर जीतते जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट आता है टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. यहाँ पर जो भी एमिकेबल सेटलमेंट्स रहते हैं उसके लिए लोक अदालत जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाने चाहिए. अब लोक अदालत मतलब क्या होता है वो तो हम डिटेल में आगे देखेंगे ही, लेकिन लोक अदालत मतलब क्या होता है, वो लोगों की अदालत होती है. मतलब जो लोग जो बर्डन चल रहा है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अगर वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं और म्यूचुअली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है तो लोक अदालत में जाते हैं. जैसे पुराने ज़माने में होता था कि अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, अभी भी होता है जो अब अगर छोटे गांव में जाओगे तो वहाँ पर जो पंचायत टाइप बैठती है तो उस तरीके से लोक अदालत, लेकिन अभी उसे एक अच्छा दर्जा दिया गया है. तो वो हम डिटेल में लोक अदालत क्या होते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं वो सब कुछ आगे जानने की कोशिश करेंगे. टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज है उसमें लीगल अवेयरनेस कैंप जो है ये भी यहाँ पर लाने चाहिए जिससे कि जो फार्मर है उसे यहाँ पर सब कुछ मिल सके, जस्टिस मिल सके. आपको फार्मर को सिर्फ ध्यान में रखना है, आपको अपने आप ये सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी और आप मेंस में एक अच्छा सा आंसर जो है वो लिख पाओगे. अब फ्री लीगल सर्विस इंक्लूड, अब यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पर वड़ा पाव फ्री में मिलना चाहिए, जो जूस है वो फ्री में मिलना चाहिए, इस तरीके की बात है क्या? तो जी नहीं, फ्री लीगल सर्विस में आता है पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस एंड ऑल अदर चार्जेस पेएबल और इनकर्ड इन द कनेक्शन विद एनी लीगल प्रोसीडिंग्स. जो भी यहाँ पर फीस होती है, प्रोसेस फी होती है, वो सब कुछ जो भी चार्जेस यहाँ पर पेएबल होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पर फ्री में रहेगा. प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, अब जो लॉयर्स होते हैं भारी भरकम यहाँ पर जो पैसा है वो चार्ज करते हैं कि मेरी जो फीस है वो इतनी है, हाईएस्ट पेड लॉयर हूँ मैं यहाँ का. तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो लॉयर्स हैं वो भी यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे. और उसके बाद आता है ऑप्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स. अब यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपीज जो होते हैं ऑर्डर्स के वो भी यहाँ पर फ्री में लिए जाएंगे, नहीं तो ऐसा रहेगा कि इतना सेट जो रहता है पूरा का पूरा वो लेकर आओ, उसके लिए जितना पैसा खर्च होता है वो लेकर आओ. तो ये सब कुछ भी जो है ये फ्री में जो प्रोवाइड है वो किया जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ अपील, पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, ये सब जो प्रिंटिंग है उसके लिए भी 10-10 रुपये 20-20 रुपये चार्ज करते हैं, तो वो भी जो है ये सब कुछ फ्री में उन्हें दिया जाएगा. उसी के साथ साथ और आता है पर्सन एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विस इंक्लूड. अब यहाँ पर कौन से जो पर्सन है उनके लिए जो फ्री में यहाँ पर किन के लिए एलिजिबल है, कौन से लोग जो है वो एलिजिबल है. अब सलमान खान वहाँ पर चले जाएंगे कि मुझे यहाँ पर फ्री में सब कुछ चाहिए, तो सलमान खान को मिलेगा क्या, तो वो हम यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं. शाहरुख खान वहाँ पर चले जाते हैं तो शाहरुख खान को मिलेगा क्या, वो यहाँ पर देखते हैं हम. या फिर अगर हमारे मोदी जी जो है मित्रों वो चले जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर मिलेगा क्या, वो हम जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और जो महिलाएँ हैं उन्हें यहाँ पर ये सब कुछ जो है मिलेगा, फ्री लीगल सर्विस यहाँ पर मिलेगी. या फिर जो SC ST कम्युनिटी में जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जो है वो दी जाएगी. इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो होते हैं उन्हें यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी. उसके बाद जो विक्टिम्स होते हैं ऑफ मास डिजास्टर, वॉयलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये सारे जो लोग होते हैं इन्हें भी यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी. उसी के साथ साथ आते हैं डिसेबल्ड पर्सन, और उसके बाद आते हैं पर्सन्स इन कस्टडी. तो देखिए ये सब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो उस तरीके से जिस तरीके से सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या फिर जो कैपेबल लोग हैं वो जिस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं जो लीगल सर्विस के लिए, ये लोग उस तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए एक फ्री लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. उसी के साथ पर्सन हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, जैसा मैंने आपको बताया ये लोग कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. और जब हम यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसका मतलब ये है कि हम जस्टिस सभी के साथ कर रहे हैं. अब यहाँ पर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर ट्रैफिकिंग, ये सब क्या है, हमने फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है उसमें ऑलरेडी कवर किया हुआ है.
तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो करंट अफेयर में जो वेब एप्लीकेशन है ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है, जिसे नालसा ने लॉन्च किया है, मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है वेब एप्लीकेशन फॉर फ्री लीगल सर्विस टू प्रिजनर्स। अब जो प्रिजनर्स होते हैं, अब देखिए जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स की क्या हालत है ये हम लोगों को एक्चुअल में पता है। प्रिजनर जो है, बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे हैं जिन्हें जो वकील है वो भी मिलते नहीं है। अब वकील ना मिलने की वजह से जो उनकी लीगल सर्विस है वो यहाँ पर एक्सटेंड होती जाती है, मतलब वो पेश ही नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से जितना वो, मतलब अगर वो गुनहगार ना हो, जो प्रिजनर है अगर वो गुनहगार ना हो, लेकिन फिर भी उसे जेल में रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं होती है सारी सर्विसेज। तो इसके लिए एक वेब एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है प्रिजनर्स के लिए। अब इसमें क्या होगा, जो इसमें द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी न्यू दिल्ली में, इसमें जो मेंबर सेक्रेटरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। डेवलप बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सर्विस। अब यहाँ पर ये जो है, इन्होंने किसने डेवलप किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। अब इसमें क्या होने वाला है, द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विल फीड इन टू द वेब एप्लीकेशन द डाटा ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रिजन इनमेट्स इन द जेल विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट में जो प्रिजनर्स होते हैं, जो स्टेट में प्रिजनर्स होते हैं, तो ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वेब एप्लीकेशन में यहाँ पर डाली जाएगी, जिससे कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि हम सभी को पता चलेगा कौन सा जो प्रिजनर है कौन से जेल में है और उसके बाद उसे किस तरीके से जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब सर्विस मतलब क्या है, कि वो अपने जो केसेस है वो लड़ पा रहा है या नहीं लड़ पा रहा है, और उसके पास जो वकील है वो है या नहीं है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा और ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा जो स्टेप है वो लिया हुआ है। अब यहाँ पर डिटेल जो है रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिजनर्स थ्रू अ काउंसिल इन द कोर्ट, अब किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जो काउंसिल में काउंसिलिंग होती है कोर्ट में, वो सब कुछ यहाँ पर फीड किया जाएगा, जिससे कि हर इंसान को यहाँ पर पता चलेगा कि जो प्रिजनर है उसके साथ किस तरीके से बर्ताव हो रहा है और उसके साथ जो लीगल सर्विस है उसे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। सॉफ्टवेयर जो है ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग रिपोर्ट्स शोइंग द टोटल नंबर ऑफ इनमेट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ इनमेट्स है, और उसके बाद अनरिप्रेजेंटेड कितने हैं, जो रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं, उसके बाद कितने लोगों के पास यहाँ पर जो लीगल सर्विस लॉयर्स है वो अवेलेबल है, और उसके बाद नंबर ऑफ इनमेट रिप्रेजेंटेड बाय प्राइवेट लॉयर्स, जो प्राइवेट लॉयर्स किनके पास है या फिर जो गवर्नमेंट लॉयर्स है वो किनके पास है। तो ये सब कुछ इसमें फीड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये जनरेट किया जाएगा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हर एक जेल के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू प्रिजनर्स एलिजिबल फॉर बेल अंडर सेक्शन 436 ACRPC। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्रिजनर्स है जो बेल के लिए एलिजिबल है उनकी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप की जाएगी। मतलब हमें सलमान खान जो है, अगर वो बेल के लिए एलिजिबल है या नहीं है, हमें न्यूज़ चैनल जो है उसके ज़रिए पता चलता है, लेकिन जो बाकी के प्रिजनर्स होते हैं, बाकी के प्रिजनर्स कि न्यूज़ में रिपोर्ट आती नहीं है, इसलिए उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि वो बेल के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या फिर अगर एलिजिबल है तो उन्हें सचमुच बेल मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब कुछ हमें पता नहीं चलता है। तो ये सब कुछ हमें जो वेब एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है उससे पता चलेगा, फिर हमें न्यूज़ चैनल जो है उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो है वो जो पॉपुलर इंसान होते हैं उनका यहाँ पर कवर करते हैं, तो बाकी जो प्रिजनर्स होते हैं उनका यहाँ पर कवर नहीं किया जाता है, इसलिए हमें ये वेब एप्लीकेशन से पता चलेगा। अब यहाँ पर वेब एप्लीकेशन जो है, ये ट्रांसपेरेंसी, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ पिछले दो स्लाइड से, कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाने के लिए बहुत काम आएगा, उससे हमें जो देश है उसे जस्टिस प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पर टेली लॉ जो है ये भी लाया गया है। अब टेली लॉ क्या होता है, तो मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने लॉन्च किया है एक टेली लॉ इनिशिएटिव, कोलैबोरेशन किया है इन्होंने किस कौन से मिनिस्ट्री के साथ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, लीगल एड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। अब ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है, आप ध्यान में रखिए, सिर्फ फार्मर को, जो फार्मर है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, और सिटीजन्स जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एट द पंचायत लेवल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। पंचायत लेवल जो है, पंचायती राज क्या है ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो इसमें कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है, तो देखिए ये जो है, जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, ये सब कुछ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ भी उन्हें चाहिए, लॉयर से बात करनी है, जो कुछ भी हो
वो सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ टेली लॉ इनिशिएटिव विल हेल्प पीपल टू सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम द लॉयर्स विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है कि जो लीगल सर्विसेज उन्हें चाहिए होती है या फिर जो भी लीगल एडवाइस उन्हें चाहिए होती है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती है जो रूरल एरिया के लोग हैं, तो उन्हें यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी लीगल एडवाइस उन्हें चाहिए होती है। अब अपार्ट फ्रॉम द लॉयर्स, लॉ स्कूल क्लिनिक्स, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन लीगल एड एंड एम्पावरमेंट कैन ऑल्सो भी कनेक्टेड थ्रू CSCs। अब ये सब जो लोग हैं ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है इससे कनेक्टेड रह सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें और ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है, इससे हमें और ये जो जस्टिस है वो प्रॉपर तरीके से मिल सकता है, और जो हम फंडामेंटल राइट है हमारे जो इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं उसे हम और ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, और जो DPSP है उसे भी स्ट्रेंथन करता है। गवर्नमेंट विल ऑल्सो पुट इन प्लेस रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम टू असेस द क्वालिटी ऑफ द लीगल एडवाइस डिलीवर्ड टू द पीपल। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये किस तरीके से, किस क्वालिटी से जो लीगल सर्विस है ये प्रोवाइड की जा रही है, लीगल एडवाइस जो है ये प्रोवाइड की जा रही है, ये भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। अब यहाँ पर सलमान खान जो है वो अपने जो वकील है उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर जो कपिल शर्मा है वो अपने वकील से किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो किस तरीके की लीगल एडवाइस ले रहे हैं, वो सब कुछ प्राइवेट है, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उनके पास खुद के लॉयर्स नहीं होते, इसलिए उन्हें लीगल एडवाइस जो है वो कहाँ से मिलेगी। इसलिए यहाँ पर टेली लॉ लाया गया है जिससे कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लॉयर्स हैं उनसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, और ये सब मॉनिटर भी हो सकता है क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रहा है। उसी के साथ 1000 वीमेन पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो है ये यहाँ पर ट्रेन किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर जो कॉमन सर्विस सेंटर है इसे एक लीगल एड सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें वुमेन एंटरप्रेनरशिप जो है ये भी यहाँ पर एम्पावरमेंट मिलेगी इसे, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है विल ऑल्सो प्रोवाइड अ पैनल ऑफ लॉयर्स हु विल प्रोवाइड एडवाइस। अब यहाँ पर पैनल ऑफ लॉयर्स यहाँ पर दिए जाएंगे जिससे कि ये लोग एडवाइस देंगे, तो इस तरीके से जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडवाइस जो है वो दी जाएगी। तो ये सब है हमारे नालसा के बारे में। अब इसके बाद हम जो लोक अदालत है वो देखेंगे, उसके बाद जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद न्याय पंचायत वो देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है ये चैप्टर है ये पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।